नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुन जाना होगा कि 20 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ओ आरोपी एरियर के ऊपर सुनवाई थी और उस सुनवाई में क्या हुआ और किस प्रकार से क्या क्या मैसेज आपको मिले और किस प्रकार से सरकार को कहकर क्या क्या फटकार लगाई और क्या क्या मुद्दे कौन कौन से मुद्दे शामिल हुए। इस प्रकार से दोस्तों देखने को ये मिल रहा है कि सरकार की तरफ से सील बंद लिफाफे में एक नोट दिया गया जिसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ही पढ़ें, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने नाराजगी जताई और वो कहे कि कोई कॉन्फिडेंशियल युद्ध का मामला नहीं है, इसे आप पढ़ खुद खोलें और ओपन करके पढ़ें, मैं सील बंद कवर लिफाफों के खिलाफ हूँ। जैसा कि सील बंद कवर नोट देने पर नाराजगी जताई, उच्चतम न्यायालय के पूर्व सैन्य कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन बकाया भुगतान के केंद्र के विचारों के बारे में केंद्र के सील बंद कवर नोट को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिंह और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय में इस सील बंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है, यह निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कई केसों में सील बंद लिफाफे दिए जाते हैं कि कोई बोफोर्स का केस हो चाहे कोई भी केस हो, आपने खुद सुना होगा और खुद आपने तय किया होगा। तो दोस्तों आज देखते हैं कि आखिर में इस आरोपी के मुद्दे पे क्या क्या बातें हुई और क्या क्या इस पे निर्णय निकल कर आए। इसमें दोस्तों फर्स्ट में ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया है कि आप 20 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन जो आपने जारी किया था उसको आप विथड्रॉ कर ले और जैसा तय समय के अनुसार मंडे को पुटअप करना था इनका प्लान, और इसमें इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से सील बंद लिफाफे में इस प्रकार नोट तैयार करके और वहां पे जज साहब को दिया गया, लेकिन वहां पे उन्होंने इससे नाराजगी जताई और कहा कि इस समय कोई इमरजेंसी नहीं है, कृपया इसे खोलकर पढ़ें और सबके सामने इसे बताएं। इस प्रकार सरकारी वकील ने इन्हें खोलकर पढ़ा और पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार पूरा एरियर एक साथ पे नहीं कर सकती क्योंकि बजट का प्रावधान नहीं है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूरा एरियर एक साथ पे करने से मना कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों, और जज साहब ने कहा कि ये कई बार ये केस आरोपी के ऊपर यही केस बार बार कितनी भी तारीखें देते जा रहे हैं, अगर अगली तारीख में 31 मार्च तक भी दे देता हूं तो उस समय तक भी सरकार इसे कवर नहीं कर पाएगी और पूरा एरियर नहीं दे पाएगी। इस प्रकार जज साहब ने इन किस्तों को कुछ सरकार को रियायतें देते हुए उसमें बदलाव कर दिया और वो इस प्रकार हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 25 लाख पेंशनर में से 4 लाख पेंशनर्स अयोग्य हैं और उसमें 21 लाख ही पेंशनर्स जो इस एरियर के हकदार हैं, वहीं पे कितने लोगों को फर्स्ट एरियर का किस्त भी नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार ने सख्त आदेश दिया कि आप 30 अप्रैल तक आप पूरी किस्त दे दें जिन्हें फर्स्ट किस्त मिलना है। इस प्रकार से आदेश दिया कि आप 6 लाख फैमिली पेंशनर्स और वीरता पुरस्कार पाने वाले पेंशनरों को 30 अप्रैल तक फर्स्ट किस्त दे दें, 30 अप्रैल तक इन्हें पूरा पेमेंट कर दें और वहीं जिनको फर्स्ट किस्त देना है उनका भी कंप्लीट करें। वहीं पे सीनियर सिटीजन्स को रियायत देते हुए, जो कि पिछले हियरिंग में उन्होंने कहा था 4 लाख पेंशनर्स आर डायड, 4 लाख पेंशनर्स इंतजार करते करते वो स्वर्ग सिधार गए लेकिन उन्हें एरियर नहीं मिला। इस प्रकार से और सीनियर सिटीजन्स का यानी सीनियर पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये भी आदेश जारी किया कि 70 साल से जिनकी उम्र अधिक है, इस प्रकार के लोग 4 लाख हैं और इन लोगों को 30 जून 2023 तक फुल एरियर भुगतान कर दें। वहीं पे दोस्तों बाकी सब के लिए जो बचे हुए 11 लाख के लगभग जो पेंशनार्थी हैं उनको 3 बराबर किस्तों में, पहले हाफ ईयरली में था, अब क्वार्टरली में 3 बराबर किस्तों में जारी करने का आदेश कर दिया, जिसमें सरकार को भी रियायत दे दी क्योंकि सरकार वहीं पे हाफ ईयरली में पेमेंट करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे 4 हाफ ईयरली को कम करके 3 क्वार्टरली में पेमेंट करने को कह दिया। वहीं पे फर्स्ट किस्त के लिए बता दिया 30 अगस्त 2023 तक, दूसरा किस्त के 30 नवंबर 2023 तक और 28 फरवरी 2024 तक फुल भुगतान करने का आदेश कर दिया।
इसी प्रकार विभिन्न न्यूज पत्रों में आप देखेंगे तो 28 करोड़ रुपए का एरियर बकाया बात कही जा रही है, जो 28 करोड़ रुपए वाकई में सरकार के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता है। तीसरे प्रकार, शीर्ष अदालत ने इसमें तब्दील करते हुए इसमें सरकार के पक्ष में और जवानों के पक्ष को भी सुनते हुए एक बीच का रास्ता निकाला, जो फोर हाफ ईयरली पेमेंट करना था उनको 3 क्वार्टरली में पेमेंट करने का आदेश दिया। वहीं पे सीनियर सिटीजन्स को 30 जून तक पेमेंट करने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, ये रहा 20 तारीख के सुनवाई का अपडेट, जो गवर्नमेंट, जो चीफ जस्टिस साहब ने किस प्रकार से निर्णय और कितना सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से इसे निस्तारित कर दिया और इस प्रकार से ओआरओपी की फाइल ये क्लोज हो जाती है। वहीं पे सरकार को ये भी निर्देशित किया ओआरओपी जो अगले साल 2024 में लागू होगी उसमें इस प्रकार की गलतियां न की जाए, इस प्रकार से डीले न किया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की सुनवाई बस इस प्रकार से खत्म हुई। ओके दोस्तों, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।